हे फैमिली व्हाट्सअप नमस्कार केम छो आदाब से श्री अकाल का हाल बार हुआ लोग इनके उम्मीद बाकी सब लोग मस्त हो के। और गाइज अभी यहाँ पर हम लोग बेड पे बैठ के अब मनीषा की पैकिंग शुरू हो रही है। मनीषा मेरा भी रखोगी ना सामान? ये कह रही है कि मैं आपको अपने घर नहीं ले जाऊंगी। तो मनीषा अब अपने घर जा रही है और बाकी मम्मी और निशा इन लोगों का भी सब लोग का पैकिंग पैकिंग हो गया। मम्मी तो मम्मी क्या कह रही है? मम्मी का सामान तो पैक सुबह ही क्या हो गया है पैकिंग। तो मम्मी सामान पैक कर चुकी हैं, अब यहाँ से निकलने की तैयारी हो रही है। अब ओल्ड आदमी ऐसा बोल सकते हैं? ए मनीषा पैकिंग कोयले बाड़ू नहीं, आप बूढ़ा जैसा बोल सकते हैं। आप बूढ़ा जैसा बोल सकते हैं। आप बूढ़ा जैसा बोल सकते हैं। आप बोलिए, आप बोलिए। तो आप मेरे जैसा बोल रहे हैं। बूढ़ा जैसा ही तो बोल रहे हैं। नहीं, बूढ़ी तो है, बूढ़ी जैसा बोल रहे थे हम। इसको समझ में नहीं आया था अभी तक। ओ भाई नूब है। क्या है? नूब है। नूब है, हम प्रो है। यू आर अ नूब। आप बूढ़े जैसा बोलिए। हम बोल रहे हैं ना कि आप बूढ़े जैसा बोलिए। बूढ़ा जैसा ही तो बोल रहे हैं, तुम्हारा आवाज बूढ़ा जैसा लगता है। चलो गाइस छोड़ो, कोई बात नहीं, इसको मजाक नहीं समझ में आ रहा नीचे को, अभी कोई बात नहीं। सो दोस्तों अभी फिलहाल सबकी पैकिंग हो रही है, मेरे भी ड्रेसेस वगैरह पैक होंगे। हम लोगों को सुबह निकलना है, अर्ली मॉर्निंग यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे घर के लिए, सब लोग ट्रेन में। बस चलते रहेगा, पैकिंग वैकिंग का ब्लॉग आपको दिखाते रहेंगे। और मैं बोलता था मम्मी सिखलवाते, बोलती निकलवाते हैं कि निकलवाते हैं। एक बार हम बालों में चीनी कम लगा लेते हैं। के लगाई ले रहला अपने सामने खा के सूत गल लो इन तो लाग गल। अरे कुछ चॉकलेट के लो अपने से लाग गल रहला। हां तेरी में चॉकलेट लगा। बालवा अब पहले बाल फंस जाता था तो कैंची से काट देते थे लो। So guys, अब यहाँ पर हमारी पैकिंग, अपनी पैकिंग तो ये कर ली है लड़की, मेरा पैकिंग की होगी नहीं। फेस पाउडर लगा के देख रही है किससे मैं गोरी होंगी किससे काली होंगी। नहीं, मेरे पास बहुत सारा फेस पाउडर है, टूट गया है रख। तो तुम पहले बताओ ना अपना पैकिंग कर ली, मेरा कब करोगी? आपका सबसे पहले, आपका तो खाली जींस और शॉर्ट। और तुम अभी नहाओगी ना? हम तो नहा लिए लेकिन हम बाल में तो हेड बात कर लो, पूरा ऑयली के तो अच्छा नहीं लग रहा वैसे ना। हम सुबह सुबह नहा लेंगे, आज बृहस्पतिवार है, आज के दिन बाल नहीं धोते हैं। तुम सुबह तो उठोगी नहीं, फिर उठ जाते हैं हम लोग, सुबह ही निकलना है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेट करके उठ जाएंगे। चलो देखते हैं तुम पूछती। और नीचा में बुला रही थी, रोटी बना रही है। अभी मनीषा कह रही है कि अब हम किसको चिल्लाएंगे, बड़ा चिल्लाती थी निशा। यहाँ पे कपड़ा क्या कर रहा है? यहाँ पे ये हम कपड़ा रखे ना, क्योंकि इसको नाइट ड्रेस है, नाइट में चेंज करने वाला ड्रेस, सामने सब मिल जा रहा है कि मैं इतना सारा कपड़ा हो गया है। हाँ मेरा ऑफिस हुआ भी कल से शांत हो जाएगा। ऑफिस मिस होती थी तुमको तब याद आएगा ऑफिस वगैरह हुआ। सोना ना तो फील करना। अभी गोल गोल रोटी बना रही है, फील करते रहो। सो ये सब दिन नहीं, बहुत टेस्टी। वाओ ये तो कल लेके जाने लायक हो गया है ना जी। नहीं लेकिन रात का आजकल सैंडविच बनेगा। हाँ सैंडविच बना के पैक कर लेंगे लोग एल्युमिनियम फॉइल में। और मम्मी पापा लोग अंदर, अभी देखिए वो लोग भजन देख रहे हैं। हाँ आईपैड दे दिए हैं, वो लोग बहुत लड़ते हैं मम्मी पापा, बहुत लड़ते हैं। मम्मी पापा लड़ते हैं? हाँ, हम लोग की तरह नहीं लड़ते हैं, हम लोग की तरह हर पति पत्नी दुनिया का। हम लोग से भी ज्यादा लड़ते हैं सही में। हम लोग तो बहुत लड़ते हैं, हम लोग पता नहीं डेली पता नहीं क्यों लड़ाई हो रहा है, हमको नहीं मालूम किसका, हम लोग का। अब लगता है किसी की नजर लग गई है तो अब चलो जल्दी से मिर्चा जलाओ। तब इसका गाइस बंदर वाला वो हमने बनाया हुआ था इंस्टा पे, आपने देखा होगा रील्स।
और मेरा ऐसे सिंदूर लगा लग रहा है बजरंग बली जैसे। भी जा रहे हैं मम्मी आटा सान रही है, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि निशा रोटी बनाई थी तो वो ठंडा हो गया था, जस्ट ही बनाई थी जस्ट ठंडा हो गया, तो वो ठंडा रोटी नहीं खाते हैं, तो मम्मी यहाँ पे आटा सान रही है, आप लोग देख सकते हो एकदम थोड़ा सा आटा, दो तीन रोटी लायक, और बस जल्दी जल्दी गरम गरम रोटी, उनको गरम ही रोटी, फूला फूला रोटी खाते हैं, तो बस अभी बना रहे हैं और उनका बिजी लाएगा खाना। वैसे खाना निकाल दिए थे हम, चार तीन गो रोटी लायक नहीं था, बर्तन इसमें ही है, अभी हम जस्ट रोटी बना ही देते हैं, बाकी सब खाना निशा बनाई थी। नहीं तुम बोलोगी अभी जस्ट निशा क्या बोल रही थी, मैं बोल रही थी ना कि मैं अभी जस्ट ही बनाई थी रोटी, इतना जल्दी पल्ला भी हो गया, तो अभी दीदी आटा सानी है तो ये रोटी बनाएंगी और देंगी जीजू को खाने के लिए। हाँ रोटी ठंडा हो गया था। गाइस अभी जा रही हूँ मैं मम्मी के पास और मम्मी से थोड़ा कुछ कुछ बातें करूँगी और देखती हूँ, अभी वैसे मम्मी किचन में ही थी, मैं मम्मी से पूछती हूँ मम्मी क्या कर रही है, पहले पहले तो ये मूवी देख रही हैं और खा रही, खाना खा रही हैं, इसको बंद क्राइम क्राइम अलर्ट देख रहे हैं लोग, पापा मम्मी भी, तो मम्मी अभी खाना खा रही है, दही खा रही है क्योंकि दही दो आ गया था डब्बा और हम लोगों को कल सुबह ही निकलना भी है, तो अभी मम्मी से थोड़ा निश्चिंत बात करेंगे, क्योंकि अब डायरेक्ट इतना निश्चिंत से बात हमारा, तब मैं अपने घर जाऊंगी मायका तभी हो पाएगा, वैसे कॉल पे भी बहुत कम ही बात हो पाती है मम्मी से भी, बस क्या कैसे ये सब पूछ लेते हैं लोग, लेकिन अभी चलिए बात करते हैं, आप इधर मुड़ जाइए थोड़ा, हमको ही बैठने दीजिए, इसको हटा दीजिए, तो अभी आप ये बताइए कि आप ये मैंने जब से आई हैं तब से आपको मैंने पहला दिन कैसा लगा, वैसे तो ये बहुत थोड़ा शांति जगह अच्छा है लगा, तो आपको मैंने कैसा जगह अच्छा लगता है ऐसा शांति वाला, हम लोग का तो वैसे शांति लगता है अच्छा लगता है, वैसे हम लोग का जहाँ घर है वहाँ बहुत भीड़ भाड़ रोड वोड है, तो थोड़ा ज़्यादा लोग बाग हैं वहाँ पर, वहाँ ज्वाइंट फैमिली है, आपको पानी पीना है क्या, नहीं, तो अभी ये बताइए आपको यहाँ पहला दिन कैसा लगा, अच्छा लगा और कुछ बोलिए अच्छा लगा, ये आने से बहुत अच्छा लगा हम लोग का, और घूमने फिरने से भी अच्छा भी लगा, अच्छा हम लोग तो अभी बहुत सारा जगह घूमने आया था लेकिन मेरा एग्ज़ाम भी था, तो फिर भी हम लोग घूम लिए ज़्यादा ही घूमे, तो वैसे आपको सबसे अच्छा कौन सा जगह लगा, हम लोग इतना जगह घूमने गए जैसा भी जगह था सबसे अच्छा जगह कौन लगा आपको, मैंने आपको पहाड़ में माता थी है कसौली, अच्छा हम लोग कसौली भी गए हुए थे कसौली, याद वहाँ शांति जगह था वहाँ भी, हाँ तो पहाड़ में, तो फिर फिर आप वहाँ पे जाना चाहेंगे, अच्छा फिर आएंगे तो जेबी ही करेंगे, ऐसा थोड़े हैं कि नहीं जाएंगे, हाँ आएंगे तो अब जाएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं जाएंगे, हाँ वैसे वैष्णो माता जब हम लोग गए हुए थे तो मम्मी बहुत ज़्यादा थक गई थी लेकिन पैदल खूब चली थी, वो जल्दी जल्दी चल रही थी, हाँ। तो वैष्णो माता आप फिर चलना होगा तो आप चलेंगे ना, अच्छा जब वैष्णो माता पूरा कर दिए हमारा काम तो जेबी ही करें, अच्छा मम्मी पहली बार गई थी तो वहाँ कुछ मन्नत भी मांगी है, तो देखते हैं वैसे, और आप हम लोग तो सारा पैकिंग वगैरह कर लिए हैं लेकिन आपका पैकिंग हो गया है, हाँ हो गया है, तो चलिए हम भी चल रहे हैं घर साथ में, चलिए चाहते हैं कि चलिए जो है उसी में खुश हैं, चाहे छोटा सा घर हो चाहे बड़ा सा घर हो उसी में हम खुश रहते हैं, सही बात है, बढ़िया है, बड़ा आदमी या छोटा आदमी कोई आदमी सब एक समान होता है, चलिए तब आप यहाँ पे हमको छोड़ के जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा जाने का, आपको कैसा लग रहा
अच्छा नहीं लगेगा छोड़ के जाने से, कोई का माँ को छोड़ के जाने से बेटी को अच्छा थोड़ा लगेगा। आपको कैसा लगेगा? वही तो अपने लिए ना बोल रहे हैं कि हमको भी नहीं अच्छा लगेगा, तुमको भी अच्छा नहीं लगेगा। हमको तो अच्छा नहीं लगेगा, हम ऐसे ही सपना ही में रो रहे थे, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही ना, वहाँ पे भैया लोग भी हैं। भैया भी हैं चाहे हमारा काम भी है वहाँ पर, ऐसा थोड़े हैं। तब जल्दी आइएगा, ठीक है? फिर आएंगे, जब जो नया काम होगा तो आई वहीं करेंगे। मम्मी बोलती है जब नया समाचार होगा तब आएंगे। चलिए तब ठीक है, अभी पापा भी बैठे हुए, पापा से भी कुछ कुछ क्वेश्चन। नया खुशखबरी मिलेगा तब भी आएंगे अब। वैसे हम सपना देखे थे तो बहुत सारा लोग कमेंट भी किया था कि शायद कुछ अच्छा होने वाला है वगैरह वगैरह जो भी है, तो देखिए। और मम्मी अब कौन सा सपना देखी थी आज? मम्मी भी एक कोई सपना देखी थी जो कि बहुत अच्छा था, गाय माता को, गाय माता का सपना देखी थी। हाँ, गाय माता को देखे थे सपना, हमारा काम पूरा होने वाला है। हो जाएगा तो अच्छा ही है। चलिए बढ़िया है, तो अब चलते हैं थोड़ा मिस्टर राज के पास, उसके बाद मम्मी से अभी और भी सारी बातें करनी है, लेकिन उनको भी बुलाते हैं थोड़ा, वो भी कुछ पूछ ले ना उनसे, उनसे भी आप थोड़ा अच्छे से बात बात कर लीजिए क्या। सो गाइज, अभी आप लोगों ने देखा माँ बेटी का मिलन समारोह, थोड़ा सा इमोशनल था, और बिहाइंड द कैमरा तो ये लोग आपस में रो भी चुके हैं। तो होता है ऐसा, बहुत ज़्यादा टाइम बाद ऐसे हुआ, मौका नहीं मिलता है कि कोई आकर, अभी एक महीना भी नहीं हुआ था ठीक से, आई थिंक 2 तारीख को 3 तारीख को 1 महीना होगा, लेकिन चलो जो भी है, बहुत अच्छा लगा हमें भी। और काफ़ी मतलब हर एक एक दिन बहुत मतलब फील ही नहीं हुआ ये कैसे 30 दिन गुजर गए, तो ये पूरे साल का ये 30 दिन हम लोग का फट निकल गया। बाकी मेरी मम्मी पापा भी आए थे, तो अब चूँकि स्कूल है टाइम नहीं था तो उनको जल्दी जाना भी पड़ा, लेकिन वो फिर आएंगे, तो ऐसे फैमिलीज आती रहेंगी और सब लोग अब तो हमेशा आएंगे, क्योंकि अब तो मैंने प्लॉट भी ले लिया, घर भी बना लूँगा, तो अब सबको आना ही पड़ेगा, मैं भी जाऊँगा, वो लोग भी आएंगे। तो बस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और पैकिंग वैकिंग, मम्मी का पैकिंग भी सुबह ही हो चुका था, तो सब लोगों का सामान पैक हो गया, अब सब लोग निकलेंगे अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह ही हम लोग को निकल जाना है। तो अब सुबह वाली जो वीडियो है वो आपको शाम को दिख जाएगी, मैं शाम तक अपलोड कर दूँगा, एंड जस्ट होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़रूर, लाइक आप लोग नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, ध्यान नहीं रहता है, ऑब्वियसली बातें होता भी है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब पहले नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी का खूब सारा शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में मुस्कुराते हुए नए चेहरे के साथ, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, अलविदा तो कहते नहीं हम, गुड बाय, जय हिंद।